हमारे साथ मेरे इतना ये इतना रखते ही नहीं, कपड़े रखते ही नहीं है, ये बोलते हम मर्जी करेंगे अपनी, तो फिर करने दो है ना, फिर क्या करेंगे, इसका लाज क्या है बताओ ना, इसका लाज तो कोई है ही नहीं। मैं यही बोल रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल साथ साथ में है। मैं दिल्ली से आया था फ्राइडे को, वहाँ पे इतनी बुरी हालत है ना आज से ज्यादा, तो मैं नहीं चाहता वही हालत जम्मू में हो। तो कितनी सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं, और जैसे ही हमारा कैमरा ऑन हुआ सारे पुलिस वाले यहाँ पहुँच गए सोशल डिस्टेंसिंग करवाने के लिए, लोगों की लाइनें बनवाने के लिए। आप देख सकते हैं इस समय हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में खड़े हैं, जहाँ पे कि कोरोना की वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग से नाम की है। तो कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिख रही है इस वक्त? उनमें से एक भी कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कितने लोगों को वो कोरोना पॉजिटिव करवा सकता है? विजुअल्स आपके सामने है। पुलिस के कहने के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं बार बार। मैम हमने कहा इनको कि सोशल डिस्टेंसिंग तो ये रख नहीं रहे हैं, मानती नहीं है। सुबह के हम भी धूप में खड़े हैं, सुबह के बोल रहे हैं अभी इतना चल रहा है ये बीमारी का इलाज, आपको भी पता, आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो है ना, एक ही बार बोले तो पता चल जाता सबको भी ये बीमारी है जी। लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ लेकिन इनको पता नहीं चलता क्या करना है। आप सबकी सेफ्टी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग है, तो आपको खुद ही मानते हैं, खुद ही हिसाब से लाइन चल रही है ना, मानते नहीं है ये, तो इनको क्या बोलना है सेफ्टी के लिए, मानना है तो सेफ्टी के लिए कोई बोले इनको। सुबह की बेचारी ये भी ड्यूटियां दे रहे हैं, हम लोग खुद खड़े हैं इनके साथ, ये लोग मानते नहीं है। कभी कोई बोलता है ये आपकी सिफारिश है, कभी कोई बोलता है ये वैक्सीन आपने घर में लेनी है, कोई कुछ बोलता है, हम पीछे हो जाते हैं क्या करें, क्योंकि हम थोड़ी इस बीमारी को घर में लेके जाएंगे, हम तो कोशिश यही करेंगे ये बीमारी यहाँ से भागती जाए, मगर जो लोग हमारे खुद ही नहीं वो कर रहे हैं, तो हम भी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं जी, हम भी यहाँ पे ही हैं। फर्स्ट डोज लगवाने आए हैं कि यहाँ पे लगवाने नहीं, मेरी ड्यूटी लगवाई है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, सुबह 10 बजे से लेके हम 4 बजे तक ड्यूटी देते हैं। ये थोड़ी है कि इन लोगों को साथ कौन करेगा इतना, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, मगर ये इनको सेफ्टी का है ही नहीं, कोई मालूम ही नहीं है बच्चों इनको, लेडीज को मानती नहीं है कोई भी, ना जेंट्स मानते हैं ना लेडीज मानती है। हमारी गवर्नमेंट पता क्या बोलती, प्यार से बोलना, हम तो प्यार से बोलते हैं सभी को, प्यार से लाठी डंडा नहीं मारना, प्यार से बोलना इनको, प्यार दे बोलते हैं, बोलते हैं हाँ, ये हमारे साथ फिर इतना ये इतना रखते ही नहीं, कपड़े रखते ही नहीं है, ये बोलते हैं हम मर्जी करेंगे अपनी, तो फिर करने दो है ना, फिर क्या करेंगे, इसका लाज क्या है बताओ ना, इसका लाज तो कोई है ही नहीं। क्या कह रहे थे आप वहाँ पर? मैं यही बोल रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल साथ साथ में है। मैं दिल्ली से आया था फ्राइडे को, वहाँ पे इतनी बुरी हालत है ना आज से ज्यादा, तो मैं नहीं चाहता वही हालत जम्मू में हो। ये लोग बिल्कुल नहीं माने, बिल्कुल साथ में खड़े, और ये जिनकी ड्यूटी है ये फर्ज उनका बनता है कि इनको समझाने के लिए कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, फिर बाद में लोग सरकार को गाली देती है। सरकार पुलिस का ये कहना है कि लोग मान रहे नहीं, हम कितनी बार बोले पुलिस की ड्यूटी किस लिए लगाई है? वो कह रहे हैं कि सरकार ने मना कि डंडा नहीं, प्यार से समझाना साथ में और करने में नहीं दे रहे हैं डंडा नहीं, अगर समझते नहीं समझाना तो फर्ज बनता है ना, बोल तो सकते हैं ना एटलीस्ट, ऐसा तो है नहीं कि अगर पब्लिक को वो बोलेंगे और पब्लिक मानेगी नहीं, सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ करने की दे रही है, और वो पब्लिक करेगी अगर वो समझाएंगे तो। अच्छा, लेकिन उन्होंने तो ये स्पेसिफिकली कहा कि हम कह रहे हैं, बट ये देखो भैया मान नहीं रहे, भैया ये कहने की बात है, कर कुछ नहीं रहे, आप यहीं पे देखिए अभी वो मैडम वहाँ पे खड़े हैं, वो कितना मना कर रहे हैं, वो लेडीज साथ में खड़े, उनको बोल तो सकते हैं दूर खड़े हो, वो भी नहीं बोल रहे हैं, हम पब्लिकों को सुने, उसमें पुलिस की भी गलती है, पुलिस किसी को मना नहीं कर रही है, अभी मैं बोल के आया उनको पीछे पीछे डिस्टेंसिंग, आप खुद वहाँ पे कैमरा देखो, वहाँ लेके जाइए, अभी थोड़ी थोड़ी दूर हुए हैं वो, उससे पहले बिल्कुल साथ में खड़े थे, बहुत ज्यादा रश है, जो दिल्ली में हालत है अगर वो यहाँ पे होगा तो यहाँ संभालना मुश्किल हो जाएगा, दिल्ली में 50 हॉस्पिटल होंगे, यहाँ पे तो गिने चुने 4-5 हॉस्पिटल है, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, फिर हम लोग सरकार को गालियां देते हैं, सरकार कुछ नहीं, सरकार क्या करेगी, आज से 6 महीने पहले सरकार ने वार्निंग दी थी कि इसकी सेकेंड वेव आएगी, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, किसी ने कुछ नहीं किया हुआ, बिना मास्क के लोग घूम रहे थे, क्राउड था, कुछ नहीं था, वो तो नहीं था, अब उसके बाद हम सरकार को गाली नहीं, सरकार क्या कर सकती है इसमें, तो पब्लिक को खुद ही अवेयर रहना चाहिए, पूरी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो रही है, अगर किसी एक मेंबर को है ना पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है उसमें, यहाँ पे भी एक बंदे को होगा तो वो कम से कम 400-500 लोगों को लगा सकते हैं, सबको हो जाएगा जितने भी लाइन में है, जब बता रहे हैं वो हवा में फैल रहा है वायरस, एक के साथ दूसरे को, दूसरे तीसरे को, सबको हो जाएगा, ऐसे बेटर ये है कि इनको लाइन, अब इसमें ये तो है नहीं कि इसमें जगह नहीं है, यहाँ से लाइन शुरू करेंगे 10 मीटर और लंबी हो जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेटर ऑप्शन यही है कि दूर दूर अपना डिस्टेंसिंग थोड़ा पालन करें, देखिए अब अभी भी आप वहाँ पे कैमरा करें,
देखो कितने 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 पास में खड़े हैं वो, कम से कम भी उन्होंने बोला है 2 गज की दूरी रखे आपने, वहाँ पे तो है ही नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू। ओके, तो ये थे जनता के व्यूज भी आपने सुने, पुलिस वालों का भी सुना आपने, वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं, इवन जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनका भी आपने सुना, उनकी भी बाइट सुनी कि आपने उन्होंने क्या कह रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। और मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जितना से जितना पालन हो सके करिए, मास्क डबल मास्क पहनिए और साथ ही साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। जैसे इन्होंने कहा दिल्ली नहीं बनना चाहिए हमारा जम्मू, तो प्लीज़ ध्यान रखिए और अपने अपने घरों पर रहिए। मैं नितिश भारद्वाज, कैमरा के पीछे गुलशन।